हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। तो पेरेंट, जैसे कि आप सभी के रिक्वेस्ट थी कि प्ले ग्रुप के लिए कम वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूं, तो प्ले ग्रुप के लिए एक न्यू वीडियो मैं लेके आई हूं। कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि किस टाइप से हम बच्चे को ए टू जी तक सिखाएं। तो देखिए, अलग अलग तरीका होता है। कुछ स्कूल क्या करते हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लेंटिंग लाइन से ही बच्चे को सिखाते हैं। जैसे ए सिखाएंगे पहले, बी सी डी स्किप करके ई सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडिंग स्लीपिंग है। एफ सिखाएंगे, तो वो तरीका भी होता है, आप चाहे तो वो करा सकते हैं। और जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी लेटर, सपोज करो आप ए बच्चे को करा रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आपको उसे ट्रेसिंग देना है इस टाइप से। ट्रेसिंग जब तक बच्चा अच्छे से ए का नहीं कर लेगा और वो पहचान नहीं लेगा ए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ए जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा ट्रेसिंग में, देन आपको कोशिश करनी है कि बच्चा इस टाइप से डॉट में ए बनाए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, इस टाइप से बनाएगा, इस टाइप से बनाएगा, बट वो बनाएगा, ठीक है। देन जब ये वाला ए बच्चा बनाने लग जाएगा, तो ए ऐसा लेटर होता है जो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत इजीली कैच कर लेता है। देन आपको सिंपल वन डॉट देना है, तो कोशिश करनी कि वन डॉट में बच्चा ए बनाए। देन कम्स आपका बी, तो बी भी आपका सेम है। देखो, हाफ कर्व, सेमी सर्कल, ये सब हम कराते हैं बच्चों को। तो पहले लाइन खिंचवानी है, देन आपको एक सेमी सर्कल, देन दूसरा सेमी सर्कल इस टाइप से बनवाना है। फिर जब ट्रेसिंग करने लग जाए, देन सिंपल तीन डॉट देने हैं। तीन डॉट के बाद सिंपल आपको एक डॉट देना है। देन कम्स आपका सी फॉर कैट। सी फॉर कैट में सिर्फ दो आपको देने हैं, जैसे हाफ सर्कल हम बनवाते हैं बच्चों से इस टाइप से, देन सिंपल एक डॉट देना है। डी फॉर डॉग भी ऐसे ही होता है, बट ये राइट साइड को घूम जाता है, ठीक है। फिर दो डॉट देके सिंपल वन डॉट। देन कम्स आपका ई फॉर एलिफेंट, इस टाइप से देंगे आप। जब ये कंप्लीट कर लेगा बच्चा, तो आपको ये सिखाना है। ये मतलब आपको मैं शॉर्टकट में बता रही हूं, बट ट्रेसिंग का ए आपको एटलीस्ट एक दो दिन बच्चा लगाएगा, ट्रेसिंग का बी एक दो दिन लगाएगा, ट्रेसिंग का सी। जब ए जैसे एक ट्रेसिंग का कंप्लीट कर लेगा, देन डॉट वाला, फिर विदाउट डॉट वाला, ठीक है। इस टाइप से आपको लेके चलना है। ये नहीं कि आप बस बच्चे के पीछे पड़ गए, आज ही एक बना, आज ही विदाउट आप पेंसिल चलाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करोगे तो फिर वो बच्चे डर जाता है। अभी बिल्कुल छोटा है, न्यू है, पेंसिल अभी पकड़ना सीखा है, डर जाएगा, यार क्या करा रहे हैं घर वाले, ये तो बस सब पढ़ गए मेरे पीछे, बहुत बुरी चीज है पढ़ाई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। देन कम्स आपका एफ फॉर फिश, इस टाइप से आएगा। देन सिंपल आपको इस टाइप से देना है, देन सिंपल वन डॉट देना है। पहले ये कराइए दो तीन दिन, फिर ये कराइए दो तीन दिन, फिर सिंपल दो तीन दिन ये कराइए इस टाइप से। कुछ टीचर्स इस टाइप से ये वाला भी कराते हैं, है ना। ये थोड़ा बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि वह ऐसे करना होता है ना। तो आप सिंपल पहले सी फॉर कैट सिखाइए बच्चे को, फिर उसको नीचे से यूं घुमा दीजिए, तो वो जी फॉर गेम्स बच्चा आगे जाके कर लेता है, ठीक है। देन कम्स आपका एच फॉर हेलीकॉप्टर, एच फॉर हैन, एच फॉर होस्ट भी होता है ये एच, है ना। देन इस टाइप से आप डॉट्स देंगे। जब ये भी बच्चा कंप्लीट कर ले, देन सिंपल। देन कम्स आपका आई फॉर आइसक्रीम, तो इस टाइप से देंगे आप। देन फिर आपको थ्री डॉट्स देने हैं, फिर सिंपल एक डॉट देना है। जे जे की रिक्वेस्ट थी मेरी, जो मुझे भेजी थी प्रेमांश जी की मदर ने। प्रेमांश जी, आपके लिए बहुत थैंक यू, आपने जो रिक्वेस्ट दी थी वो जे इस टाइप से आपको सिखाना है, ठीक है। तो पहले थ्री डॉट देंगे, देन ये। तो टी फॉर ट्री जैसे बच्चा बनाएगा, तो यहां से आपको थोड़ा बच्चे को करना है कि बेटा यहां से घुमाना है इसको, ठीक है, यहां से ऐसे घुमाना है, ठीक है। देन सिंपल जे, थोड़ा बच्चा टाइम लगाता है ना, क्योंकि
उसको थोड़ा घुमाना पड़ता है इसको, स्ट्रेट लाइन देन ऐसे घुमाइए। के फोर काइट इस टाइप से दीजिएगा आप, इस टाइप से सिंपल डॉट। देन कम्स आपका एल फॉर लायन इस टाइप से। एक चीज और पॉइंट्स में आपको बता दूं, जब स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चा टाइम लगाता है, जैसे ए तो जल्दी सीख जाएगा, थोड़ा बी में सी में 4-5 दिन लगाएगा, जैसे जैसे ई तक आते आते जहां बच्चा 4 दिन लगा रहा था वहां बच्चा 2 दिन ही लगाएगा। अगर आप उसे वर्कशीट करा रहे हो, वर्कशीट मैं इससे पहले शेयर कर चुकी हूं, एलकेजी में भी आप देख सकते हैं, उसमें काफी सारी वर्कशीट शेयर कर चुकी हूं कि इस टाइप से आपको बच्चों को कराना है, ठीक है। वर्कशीट नहीं कराएंगे तो बच्चा सिर्फ रटेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि ये एम है कि ये एन है कि ये क्या है, ये मैंने एम बनाया है, ठीक है। इस टाइप से ट्रेसिंग दीजिए, देन ऐसे दीजिए सिंपल डॉट। देन कम्स आपका एन फॉर नेस्ट, इस टाइप से आपको देना है बच्चे को, ठीक है। देन ये एन फॉर नेस्ट। ओ फॉर आउल एंड ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ फॉर आउल ओ फॉर ऑरेंज देखिए, वैसे तो इजी होता है बच्चे को गोल करना, बट नहीं अगर बच्चा कर पा रहा है, पहले ऐसे कराइए फिर ऐसे कराइए, कोशिश कीजिए कि बच्चा घुमा ही ले, ये तो इजी होता है, उसको गोल करना होता है वो कर लेता है बच्चा, ठीक है। देन कम्स आपका पी फॉर पैरेट पी फॉर पम्पकिन, तो इस टाइप से, देन इस टाइप से कराइएगा। क्यू फॉर क्वीन भी इजी है, ओ फॉर ऑरेंज ओ फॉर ऑल बनाना है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वाला क्यू मत सिखाइए बच्चे को, ये वाला क्यू सिखाइएगा सिंपल। देन कम्स आपका आर फॉर रैबिट आर फॉर रेनबो इस टाइप से, देन सिंपल। एस एस बड़ा मजेदार लगता है बच्चों को बनाने में इस टाइप से। देन कम्स आपका टी फॉर टाइगर टी फॉर ट्री, देन कम्स आपका यू फॉर अम्ब्रेला, देन कम्स आपका वी फॉर वैन वी फॉर वायलिन, देन कम्स आपका डब्ल्यू फॉर वॉरियर डब्ल्यू फॉर वॉच। इसको कई बच्चे कैसे सीखते हैं, उल्टा एम उल्टा एम करके सीखते हैं ये बच्चे बहुत। फिर आता है आपका एक्स फॉर एक्समस ट्री या फिर एक्स फॉर ज़ाइलोफोन भी कहते हैं, इस टाइप से दीजिएगा सिंपल वन डॉट। इनकम्स आपका वाई फॉर याक या फिर वाई फॉर याच, सिंपल वन डॉट। देन कम्स आपका जी फॉर जीब्रा। सेम ये वाली वीडियो जो है मैंने एलकेजी वालों के लिए भी अपलोड की थी 3 लाइन वाली में, ठीक है। तो पेरेंट्स ये बच्चों को आप कराइएगा, ठीक है। एक आधी जो एक्सरसाइज मैं देती हूँ प्ले नर्सरी वालों को वो भी कराते रहिएगा, जैसे कि आप जैसे जैसे आपने ए सिखाया तो ए के लिए आपको क्या करना है, एक ही एक्सरसाइज देनी है। जैसे आपने काफी सारे लेटर्स लिख दिए और उसमें करना है फाइंड एंड सर्कल ए, तो ए सर्कल करने के लिए कहिए। जब बी कराएंगे तो बी की दीजिए, सी कराएंगे सी की दीजिए, डी कराएंगे डी की दीजिए। तो ऐसे में बच्चे को सारे लेटर्स भी याद होंगे, साथ ही साथ बच्चे का रिविजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, कोई भी आपको इश्यू है या कुछ भी आपके सजेशन है आप देना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।